बनाते हैं यहाँ से और सब लोग आ गए, अब यहाँ से लाइन वाइज बनाते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखा आपने कि हमारे गांव के सारे लोग हैं, अभी और लोग भी आ रहे हैं पीछे में बहुत सारे। और ये रास्ता है कुछ ऐसा, बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन कल रात थोड़ी बारिश हुई थी, थोड़ा, तो उससे थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और पूरा जंगल का रास्ता है, उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ब्लॉग। और यही है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, उसको भी फॉलो कर लेना। तो ये है, अभी बहुत दूर जाना है, वो ऊपर जाना है पहाड़ पे, वहाँ से ड्रोन से ड्रोन शॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ड्रोन लेके आया हूँ। और यही है, कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे था सेकंड हॉल्ट, अब जा रहे हैं आगे को, यहाँ से थोड़ा विश्राम के लिए यहाँ पे 5 मिनट, और अब आगे को जा रहे हैं। ये रहे हमारे चाचा जी, आ रखे हैं टिप टॉप बन के, आ रखे हैं चाचा जी हमारे, टिक टॉक बन के आ रखे हैं। और यहाँ से भी बहुत आगे, अभी ये बोल रहे हैं किसको भेज रहा है, अब इनको बताना पड़ेगा। ये भेज नहीं रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे डालूंगा और आप भी देखना उसको। हाँ, वो वहाँ से आ गए हम नीचे, और भी बहुत लोग आ रहे हैं पीछे। ये ताई जी लोग, सब लोग हैं, देखिए ऊपर को जा रहे हैं हम लोग। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, पसीना बहुत ज़्यादा आ गया और भी टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसलिए रास्ते में फिरूल गिरा है बहुत सारे, देख सकते हैं आप। रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है यहाँ पे, रास्ता ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा। ये चढ़ाई लग चुकी है यहाँ से, पूरा जंगल का रास्ता है। हाँ, और पसीना तो बहुत ही ज़्यादा आ गया गर्मी के दिन है। बैग थोड़ा हल्का कर लिया मैंने, फिर उसमें आटा भी रखा था वो दे दिया किसी को। तो मिलते हैं आगे, तो अभी हम पहुंच चुके हैं आगे, वो रहा हमारा गांव, यहाँ से दिख रहा है। अभी साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यही है जंगल का रास्ता पूरा। सब लोग थक गए, मैं भी थक गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। अभी पानी तो मिला है नहीं पे ऊपर को, देखते हैं कहाँ पे मिलता है पानी ऊपर, लेकिन ऊपर मिलता है पानी। मैं पहले भी गया हूँ ना एक दो बार, तो मुझे पता है एक्चुअली में
पर पानी मिलता है, बहुत ठंडा पानी मिलता है, फ्रिज के पानी को फिल करता है। तो ये है, बस पहुंच जाएंगे अभी 8 बजे रखें या 11 बजे तक, चांसेस हैं कि पहुंच जाएं। थोड़ा रास्ता ख़राब हो रखा है आजकल, वो तो अच्छा हुआ कल रात थोड़ी बारिश हो गई थी तब थोड़ा अच्छा हो रखा मौसम, लेकिन हरियाली तो आप देख ही सकते हैं, पूरा प्रकृति के रंग देखने को मिल रहे हैं, यही पूरा हरियाली हो रखा है। और जबकि मैं हल्द्वानी था, वहाँ का टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री पहुँच रहा था, लेकिन यहाँ तो रात को रजाई ओढ़नी पड़ रही है घर में, भी ठंडा बहुत हो रखा था घर पे। तो वो रहा, वहाँ पे है गांव, और जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है इसके उधर साइड हमारा गांव दिखता नहीं है यहाँ से, एक्चुअली में वही मंदिर से ही दिखेगा थोड़ा बहुत। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर को, बहुत ऊपर पहुँच गए हम, थकाई भी लग गई बहुत, अभी तो बहुत ऊपर है, कुछ लोग वहाँ पहुँच गए ऊपर धार में, दिख नहीं रहे होंगे अभी, जहाँ लास्ट पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे पहुँच गए कुछ लोग, और कुछ लोग वहाँ आ रहे हैं नीचे गधेरे में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, पसीना तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, गर्मी हो रही है, अभी तक तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो धूप भी बढ़ रही है ऊपर को। तो ये ताई लोग यहाँ पे हैं, और ताई जी यहाँ हैं, और ताऊ जी ऊपर चले गए हैं सबसे पहले, और ऐसा है धूप भी लग गई है बहुत ज़्यादा, अभी कल तो बारिश हुई थी शाम को थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा उतना नहीं हो रहा। तो यही है, अभी टाइम लगेगा हमको बहुत ज़्यादा, तो क्या मतलब 2 घंटे मान सकते हैं, और वहाँ पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नीचे से ले जाना पड़ता है, दिखाऊंगा मैं आपको भी आगे ब्लॉग में, बने रहना लास्ट तक।